सो है गाइज एम्प्रॉमिटेंट आप सभी का स्वागत है चैनल के एक नए वीडियो में होप फुल सभी लोग अच्छे होंगे सो so, गाइस आज के इस वीडियो के अंदर ओबी ट्वेंटी एट से रिलेटेड तीन अपडेट्स आप लोगों को मैं देने वाला हूँ तो गाइज यहाँ पे वीडियो जरूर तक देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए वीडियो साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा है तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दो एंड बाजू में आने वाला बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि आप लोगों को अपक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले और ये टोटली फ्री है तो गाइस कर दो यार ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट सबसे पहले मिल सके तो चलो गाइस फिलहाल जो वीडियो को शुरू कर दो तो आज का जो यहाँ पे सबसे पहला अपडेट है ओबी ट्वेंटी वो है हमारा इलाइट करेक्टर को लेकर तो गाइस आप लोगों को पता है हर एक ओबी अपडेट के अंदर कुछ ना कुछ इलाइट करेक्टर आता है और गाइस ओबी ट्वेंटी के अंदर इलाइट एंड्रू आया हुआ था जो कि अभी जाके हम लोगों को मिल रहा है वर्ल्ड सीरीज के इवेंट के अंदर आप लोगों को पता है तो गाइस आप लोग ले लेना जरूर इस करेक्टर को तो गाइस यहाँ पे तो इलाइट एंड्रू हो गया इस बार का जो कि ओबी ट्वेंटी सेवन का था अभी गाइस आने वाला है तो गाइस अब यहां को कौन सा इलाइट कैरेक्टर देखने के लिए मिल सकता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता कि जो यहां पे अपडेट मिला है गाइस ये अभी तक कन्फर्म नहीं है कि यही होने वाला इलाइट कैरेक्टर बट गाइस अगर आप लोग थोड़ा सा सोचो के पास्ट में जाके जो सबसे पहले फ्री फायर के अंदर इलाइट कैरेक्टर आया था वो था इलाइट के एक फीमेल कैरेक्टर थी उसके बाद आया आपका हाया जो कि एक मेल कैरेक्टर था उसके बाद आया ओ बी ट्वेंटी सेवन के अंदर आपका इलाइट एंड्रू अगेन एक मेल कैरेक्टर तो गाइज क्या आपको नहीं लगता है कि इसके बाद एक फीमेल कैरेक्टर आना चाहिए और जो यहाँ पे सोर्सेस है गाइस वो भी यही बोल रहा है कि जो नेक्स्ट ओ बी ट्वेंटी एट के अंदर आप लोगों को इलाइट कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा वो होने वाला है गेस करो अगर गेस कर सकते हो तो अभी कई वीडियो को पॉज करो कमेंट बॉक्स पर जाओ गेस कर दो आई होप गाइस आप लोग गेस कर दिए होंगे तो गैस मैं बता देता हूँ यहाँ पे होने वाला है इलाइट मोको तो गाइस अगर सही रहता है तो सारी चीज़ तो इलाइट मोको आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अभी गाइस बात करते हैं कि इसका स्किल क्या होने वाला है तो गई स्किल जो है यहाँ पे ये भी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है या फिर बोल सकते हो कि ज़्यादा कुछ पता नहीं चला इसके बारे में तो मैं आप लोगों को कुछ भी उल्टा सीधा स्किल नहीं बताने वाला हूँ कि भाई ये होने वाला है ये होने वाला ऐसा नहीं है बट गाइस अगर आप लोगों को पता है कि लास्ट जो ओ अपडेट आया था उसके अंदर गरीना ने सारे के सारे कैरेक्टर्स के ऊपर काफी ज्यादा काम किया था और गाइस नॉर्मल कैरेक्टर और उसका इलाइट कैरेक्टर जो है इन दोनों को मार्च कर दिया है तो गाइस आप सभी लोगों को ये चीज़ के बारे में पता ही है तो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करके देखोगे तो जो भी कैरेक्टर का अभी तक इलाइट भर्सन अवेलेबल है उसका जो मेन कैरेक्टर है उसके साथ इलाइट कैरेक्टर का जो स्किल है दोनों मैच करता है कहीं ना कहीं जैसे वाल लो अगर हम लोगों को मैं एग्जांपल के लिए हाथों तो समझाता हूँ हाथों तो का काम है सामने वाले के वेस्ट हेलमेट के ऊपर डैमेज देना वहीं पर अगर बात की जाए इलाइट हाथों तो की तो वो जो है उसको रिड्यूस करता है सामने वाले से गोली पर आपको कम डैमेज पड़े मतलब यहाँ पे डैमेज से रिलेटेड स्किल दोनों का सेम हो गया केली का भी ऐसा ही कुछ गाइस आप लोगों को पता है स्पीड बढ़ाता है उसी के साथ साथ स्पीड बढ़ते हुए जब आप रनिंग पे रहते हो उसी टाइम पर जो डैमेज है वो भी एक गोली का बढ़ जाता है एवरी चार सेकेंड में तो गाइस ऐसा ही है तो सीन ऐसा है कि जो भी लाइट कैरेक्टर आने वाला है उसी के जैसा स्किल नॉर्मल कैरेक्टर का जैसा ही होता है तो यहाँ पे अगर, अगर आप लोग सोचोगे तो मोको का जो स्किल है वो एनिमी को स्पॉट करने वाला है एनिमी के ऊपर एम रखने वाला है और स्पोर्ट्स के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मोको ही है अभी के के टाइम पे तो गाइस हो सकता है है इलाइट मोको का भी जो स्किल वैसा ही कुछ होगा एनिमी को लॉक करने के साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ एबिलिटी उसके अंदर होगा आप लोग अपना ओपिनियन कॉमेंट बॉक्स पे जरूर बताना और गाइस जब भी मुझे इसके बारे में अपडेट मिल जाएगा तो इन वीडियो के अंदर मैं अपडेट आप लोगों को जरूर कर दूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट सबसे पहले मिल सके तो गाइस अभी हम लोग बात करेंगे अपने अपकमिंग पेट के बारे में तो गाइस पेट बोलते ही मुझे सबसे पहले ये ख्याल आता है कि ये जो पेट है ये मुनी जो भी है गाइस ये अभी तक आया क्यों नहीं भाई नेक्स्ट वो भी अपडेट आने को हो गया बट गरीना ने अभी तक इसको नहीं दिया मुझे नहीं पता भाई क्या लॉजिक है इसके पीछे मतलब एक ओ अपडेट नया आने वाला है अभी तक पुराने वाले का पेट गेम के अंदर आया ही नहीं इंडियन सर्वर पर चलो जो भी है इसको साइड में रखते हैं अभी गैस बात करते हैं न्यू पेट के बारे में तो गैस हम लोगों का जो न्यू पेट होने वाला है तो गैस वो हो सकता है आप लोगों को एक डक देखने के लिए मिले डक जी हाँ गाइस तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि नया पेट डक हो सकता है बट गाइस यहाँ पे एक और यूमर्स फैल रहा था कि आप लोगों को जो है पोनी देखने के लिए मिल सकता है जो बेसिकली एक घोड़ा है गाइस पे पोनी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा ऐसा अभी फिलहाल कंफर्म हो चुका है बट यहाँ पे नया पेट शायद से डक ही होगा अभी गाइस बात करते हैं इसके स्किल के बारे में तो इसका स्किल भाई थोड़ा अजीब लगा है मुझे थोड़ा नहीं काफी ज्यादा अजीब लगा है मुझे गाइस बोला जा रहा है कि जब आप क्राउच करते हो उस टाइम पे आपका जो मूवमेंट स्पीड होता है नॉर्मल से ये पेट उसको बढ़ा देगा क्या बोला तूने मतलब भाई समझे कुछ चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर पिक्चर लगा देता हूँ आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो सारी के सारी चीजें कि बोला जा रहा है जब आप क्राउच करते मतलब बैठते हुए चलते हो उस टाइम का जो स्पीड होता है उसको ये पेट इंक्रीज करता है कोई बात <laughs> हमें बहुत <लगे> थी थी। <laughs> अब मुझे इसके पीछे का ये लॉजिक समझ में कुछ नहीं आया कि भाई इससे फायदा क्या होगा चलो छोड़ो फिलहाल गाइस यहाँ पे जो भी है ये अभी तक कंफर्म नहीं है ये सारे के सारे अपडेट न्यूज़ है तो गाइस जब कंफर्म होगा तब अब मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा फिलहाल इतना पता कर लो कि नया पेट डक हो सकता है अभी गाइस बात करते हैं आप नए गन के बारे में तो गाइस एक एआरएमओ के गन के बारे में आप लोगों ने काफी ज्यादा सुन लिया होगा अगर नहीं सुना तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एआरएमओ पे एक गन आने का चांसेस है बट ये ना के बराबर है अगर आप लोग देखोगे तो एआरएमओ पे मिड रेंज टू लॉन्ग रेंज काफी अच्छे गन के चॉइसेस ऑलरेडी है तो यहाँ पे कोई भी नया गन नहीं आया क्योंकि लास्ट ओबी अपडेट के अंदर ही कॉर्ड आया था सो तो गाइस बोला जा रहा है एस एम जी के अंदर एक नया गन आएगा जिसके बारे में आप लोग को लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था जो कि था आपका उजी एस एम जी का जो काम होता है वो शॉर्ट रेंज टू मिड रेंज होता है अगर आप बीएसएस को छोड़ दोगे तो तो यहां पे गाइज इसी के अंदर आप लोगों को उजी देखने के के लिए मिल सकता है इस अपडेट अंदर जिसका काम होगा शॉर्ट रेंज पे और बहुत सारे जन सोच रहे होंगे कि भाई यहां पे पूछ भी रहे थे कि डबल उजी चलेगा उजी चलेगा या सिंगल चलेगा तो गाइज यहां पे उजी का साइज देख के मत समझ लेना कि उजी एक पावरफुल गन नहीं है या फिर इसको दो चाहिए होगा नहीं तो अकेला नहीं चल पाएगा रास्ते पर ऐसा नहीं है यहाँ पे सिंगल उजी आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है दो डबल बिगट जैसा नहीं मिलेगा अगर मिल जाए तो भाई गेम फिर से वही चीज़ पे वापस आने वाला है जहाँ पे था डबल विक्टर भाई पूरा परेशान करके रखा था तो शायद गाइना ऐसा गलती नहीं करने वाला है सिंगल उजी चलेगा और शॉर्ट रेंज पे होगा ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है अभी गाइज हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक आज के वीडियो के अंदर बसता है वह है हमारा नया ग्रेनेड सिस्टम तो गाइज यहाँ पे नया ग्रेनेड से रिलेटेड कुछ एक अपडेट आने वाला है ऐसा पता चला है तो गाइस ये न्यूज तो कन्फर्म है कि ग्रेनेड से रिलेटेड कुछ एक अपडेट आएगा बट गाइज ये पता नहीं चला है कि कुछ ग्रेनेड का नया वर्सन आएगा ऐसा नहीं है तो गाइज मैं आप लोगों को बता दू क्या हो सकता है जितना पता चल रहा है जो अपना स्मोक ग्रेनेड है गाइस जो आप लोगों को फिलहाल ड्रॉप पर मिलता है ओनली देखने के लिए तो गाइज स्मोक ग्रेनेड बहुत ही अच्छा है आप लोगों को पता है बहुत काम का चीज़ है तो इस अपडेट के बाद हो सकता है कि स्मोक ग्रेनेट आप लोगों को फुल मैप के अंदर ही चारों ओर पड़ा हुआ देखने के लिए मिल जाए या फिर वेंडिंग मशीन से भी आप खरीद सको ऐसा यहां पे बोला जा रहा है बट इसका भी यहां पे नहीं मिला है जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तब तक सारी चीज यहां पर न्यूज है अभी आप लोगों को मैं इतना ही बता सकता हूं बट हाँ ग्रेनेड सिस्टम में कुछ अपडेट तो जरूर आएगा आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा या फिर आज का जो न्यूज़ तो पसंद आया होगा अगर आया तो वीडियो को लाइक करो या चैनल पे नए हो तो ध्यान से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को रेगुलर फ्री फायर से रिलेटेड वीडियोज मिल सके और गाइज मैं मिलता हूँ आपसे एक और फ्रेश वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर गुड बाय